लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस चैप्टर 11 की 3D की। एग्जांपल तो है नहीं इसमें, पांच क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, दो लाइंस हैं उनके बीच के एंगल फाइंड करना है। इस बार उन जो लाइंस हैं ना उनके डायरेक्शन रेशियो दे दिए गए हैं, ठीक है सर। अगर आपको बोला गया मान लो एक लाइन ये रही भैया, एक लाइन इनके बीच के, इनके डायरेक्शन रेशियो दे दिए गए हैं, तो इसको मैं A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, B2 और C2। तो ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये दिए गए, एंगल फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्यों, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। चलिए जी बस कुछ नहीं करना, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A1 की जगह A, A2 की जगह B माइनस C, B1 की जगह B और C माइनस A, C1 की जगह C और A माइनस B। नीचे वाला सेम ऐसे ही लिख दो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हम लिखेंगे, हमको आंसर पहले से पता ना क्या आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस, नीचे कुछ भी तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। और कॉस में जीरो वैल्यू किसकी होती है, 90 की। तो थीटा कितना है इनके बीच में, क्या चमका। अब नीचे वाला लिख सकते थे, क्यों लिखे, हमको पता है कि यार कट के जीरो ही आना है, क्लियर है सर। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है भैया, अब समझ में नहीं आ रहा इन्होंने मिसलेनियस में क्यों दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर है इसका, लेकिन थोड़ा समझाना मुझे पड़ेगा आपको। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन बताओ उसकी इक्वेशन बताओ जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्लास 9th में जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। समझना, ऐसी उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स है ये वाई है, जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। तो एक्स एक्सिस की जगह पैरेलल ये हो, पक्की बात है, यस और नो। और ये डिस्टेंस मैंने आपको कहा मान लो ए डिस्टेंस है, तो क्या ये 0, a हो गया। तो यहाँ पूरे में वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, तो क्या हम वाई बराबर ए बोल देते थे। एक्स एक्सिस के कोई लाइन अगर पैरेलल है तो वाई बराबर ए, यस और नो, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है भैया, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई बराबर 0, क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, सही बात है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन जा रही तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो वाई बराबर 0। चलो जी अब ऐसे ये कह रहे हैं, थोड़ा सा समझना ज़्यादा है, लिखने का तो आंसर एक लाइन का नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कह रहे हैं एक ऐसी लाइन बताओ जो कि एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। तो भैया मैंने केवल अभी क्वेश्चन मान लो यहाँ तक पढ़ा बस, और मैंने कहा ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी, यस और नो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ा, पासिंग थ्रू द ओरिजन, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजन से होती हुई जा रही हो, तो केवल दुनिया में एक ही लाइन है और वो खुद में एक्स एक्सिस है, वो खुद में एक्स एक्सिस है। कोई भी आप ऐसी लाइन बनाओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजन से होती हुई जाए, तो पक्की बात है वो एक्स एक्सिस ही होगी ना, यस और नो। तो यहां पे कायदे में हमसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यस और नो, और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में वाई क्या होगा, 0, और जेड क्या होगा, 0। दिस इज योर आंसर, खत्म। लेकिन आप जब पीछे चेक करने जाओगे ना, वहां पे आंसर और कुछ है, बट मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा समझाने का बहुत है। इन्होंने पूछा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ, तो भैया ऐसी लाइन की इक्वेशन खुद में एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, 0, और जेड क्या होगा, 0, यस और नो, क्लियर है। लेकिन फिर भी सर पीछे वाले आंसर भी सर हमें, हमको बताओ, आप इतना लिख के आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पीछे से देख लेते हैं, वो नॉलेज वाली बात भी समझते हैं। अब समझो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं ये भैया एक्स एक्सिस है, मैंने कहा एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाया होगा, 0, ठीक है। तो ये मान लो वो ये रही वो लाइन जिसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ध्यान से समझना, ध्यान से, अल्फा क्या होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो एक्स एक्सिस ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और बीटा के साथ कितना बनाया होगा, 90, कॉस 90 कितना होगा,
और कॉस 90 कितना होगा? क्या मैं इसको एल एम और एन नहीं बोल सकता? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन से होती हुई जा रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या ये नहीं होती थी? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, या फिर एक्स एक्स माइनस अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, क्या ये नहीं होती थी? ये तब होती थी जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये तब होती थी जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन तो गिवन है ही ना, और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते थे? जिससे वो लाइन होती हुई जाती थी। तो क्या वो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो नहीं है? बस उठा के यहाँ पुट कर दो इस वाले में, एक्स माइनस जीरो अपॉन एल कितना भैया? वन। तो पीछे चेक कर लो, आंसर तुम्हारा यही आ रहा होगा। ये एम कितना हमारे पास? जीरो। और ये कितना हमारे पास भाई साहब? चेक कर लो, आंसर तुम्हारे पास आ रहा होगा एक्स अपॉन वन, ऐसे कुछ आ रहा है, बस खत्म। ये भी ठीक है भाई साहब, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले नाइन्थ वाला कंसेप्ट बताया, एक्स एक्सिस की बात करते थे भाई और जेड जीरो होंगे, ये भी तो इक्वेशन होगी उस लाइन की, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन, तो कार्टेशियन ये हो गया। अगर आप कहोगे सर वेक्टर बता दो, तो देखो यार वेक्टर बच्चों वाला, वेक्टर देखो क्या होगा, ये होता था यस और नो, ये तो होता था। अच्छा ए वेक्टर क्या होता था? जहां से वो लाइन होती हुई जाती थी, वो लाइन किससे जा रही? जीरो से। तो क्या हम इसको लिखेंगे? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर क्या होता था? जिसके वो लाइन क्या है? पैरेलल। जिसकी लाइन क्या है? पैरेलल। तो ये एक्स एक्सिस भी उसके क्या है? पैरेलल। और एक्स एक्सिस क्या हम लोग आई कैप नहीं बोलते हैं? तो ये आंसर आ गया आर इक्वल्स टू लैम्डा आई कैप। जैसे ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्लास नाइन्थ के साथ, तीनों तरीके से बता दिया आपको, ठीक है भैया। चलो जैगरी आ जाओ भैया, छोड़ दो। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो भैया के की वैल्यू था, बच्चों वाला क्वेश्चन, सबसे पहले ये चेक करो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ जी बिल्कुल है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये ए वन, ये बी वन, और ये सी वन, फिर ये ए टू, बी टू, और ये सी टू। तो पक्की बात है अगर ये परपेंडिकुलर, ए वन ए टू, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कितना आ गया? जीरो। तो करो भैया माइनस थ्री का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, थ्री के, टू के का वन, और माइनस फाइव। तो ये क्या माइनस का नाइन के, प्लस का टू के, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस का सेवन के, प्लस का टेन के की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का टेन अपॉन, ख़त्म, बच्चों वाला था। अब कह रहे इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करो। अरे यार ये तो खैर ए वन हो गया, ये हमारा हो गया जी B1, और ये हमारा क्या हो गया जी A2, और ये हमारा क्या हो गया जी B2। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 मॉडुलस, ठीक है यही तो होता है, A2 वेक्टर लगा दो। चलो जी ठीक है, चलो जी। अच्छा अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो ये I और ये J और ये K, तो ये 1, ये माइनस टू और ये 2, ये 3, ये माइनस टू और ये माइनस टू, कर ही लेते हैं। चलो इससे इससे हाइड किया, इसके हाइड किया, तो ये 4 और प्लस का 4, माइनस का J, तो ये माइनस का टू और माइनस का सिक्स और प्लस का, तो ये कितना हो गया? माइनस का टू और प्लस का सिक्स, तो ये हो गया भैया एट आई, और ये प्लस का एट जे, और प्लस का फोर के कैप। तो ये निकल गया है भाई साहब हमारे पास बी वन क्रॉस बी टू। अच्छा ए टू माइनस ए वन निकाल लेते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो माइनस फोर ये सिक्स है ना आई थिंक, हाँ ठीक है। तो इससे इसको क्या माइनस का टेन आई कैप, जे तो है ही नहीं जी, तो माइनस का टू जे कैप और माइनस का थ्री। अच्छा इन दोनों का आपस में क्या है जी? डॉट। तो डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, आप देखो डॉट का मतलब माइनस एट्टी, माइनस सिक्सटीन, माइनस का ट्वेल्व। अब इसका निकाल दो मॉडुलस, इस वाले का मॉडुलस, एट का इसका सिक्सटी फोर, एट का सिक्सटी फोर, चार चौक सोलह। भैया ये रहा आंसर, खुद कर लो।
और क्या इसमें क्या करें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं उसे खत्म मिसलेनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर दीज टू लाइंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये दो लाइन की इक्वेशन है और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इन दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस हाफ प्लस है, माइनस में करो तो माइनस माइनस का 19, ठीक है जी, माइनस का स्टैंड फॉर्म में है। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ये दो लाइन है, एक ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको मान लो मैं L1, इसको मैं लेट करता हूँ L2, भाई साहब मैं उठाऊंगा नहीं चाहे कोई भी हो, किसी पिताजी का है, फीस तो नहीं आ रही होगी, नहीं मैं नहीं उठाता, चलो अच्छा ठीक है। ये लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, मैंने आप सबको देखो समझा रहे मैंने कहा भैया ये रही लाइन L2। अब आपको एक तीसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है और इन दोनों के क्या हो, हम लोग पढ़े 3D मतलब स्पेस, तो क्या ये लाइन ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, जो इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे ये लाइन और ये लाइन ऐसे ले लो और ये परपेंडिकुलर, अगर इस पर है तो ये इस पर भी होगी, अगर इन दोनों लाइन को हम क्या ले लें पैरेलल, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है क्योंकि उनके रेशियो बराबर नहीं है, हम नहीं उठाएंगे तो चलो साइलेंट ही कर देते, रुक जाओ रिदम बिगड़ जाता है। तो भैया एक ऐसी जो ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस पर क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन इस लाइन को मैं ऐसे बना नहीं सकते इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसको समझो ना यार बात को। और ये कितने किस पॉइंट से होती हुई जा रही है, अब सुनो भैया इस कोई भी एक लाइन इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से होती हुई जाती है तो क्या हम इसको ये नहीं बोलते थे, और वो ए वेक्टर क्या होता था जो गिवन पॉइंट है उसका पोजिशन वैक्टर, ठीक है। तो जी एक बात सुनो और सॉरी, तो क्या मैं ए वेक्टर को आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, यस और नो, बस इस पूरे क्वेश्चन को बी वेक्टर फाइंड करना है, यस और नो, क्या बात चमकी। अच्छा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली, इन दोनों के क्या है, सही बात है, इस लाइन की इक्वेशन यदि बी वेक्टर क्या होता था जो इस लाइन के क्या होता था, तो यार एक बात ना बताना, एक बात ना बताना, ये लाइन इन दोनों के क्या है, तो ये वेक्टर इन दोनों के क्या होगा। तो कहने का मतलब है हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जो इन दोनों के क्या है, तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। सुनो सुनो, ये लाइन है तो इसका भी तो अपना एक b1 वेक्टर होगा और इसका भी तो अपना एक b2 वेक्टर होगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे क्या, क्या हमको वही नहीं फाइंड करना है, यस और नो। तो बस दिस इज योर आंसर, ये बहुत ही सिंपल था। तो b1 वेक्टर बनाओ, पहले b1 वेक्टर हमारा ये हो जाएगा 3i कैप माइनस का 16j कैप प्लस 7k कैप, और b2 वेक्टर हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस का 5k कैप। जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकल के आएगा वही तो हमारा b वेक्टर हो जाएगा, उसको यहाँ पे चेप देना। क्या मैं समझा पाया, हाँ व्हाइट बोर्ड है तो यार वो समझो, लेकिन तो ये i J और K, तो ये 3 माइनस 16 और 7, तो यहां से हम सॉल्व करके जो भी वेक्टर आएगा उसको यहां चेप देना, बट दिस इज योर आंसर। इसमें समझना ज्यादा है, कर लेना है, कर लेंगे ना हम लोग क्रॉस, तो यार देखो अगर मिसलेनियस कर रहे हो और फिर क्रॉस वेक्टर नहीं निकाल पा रहे तो फिर पढ़ना बेकार मिसलेनियस।